What's up guys, Manit Kohli here and welcome back to a new video. तो यार आज बात करने वाले हैं हम कुछ बेस्ट साउंड बार्स के बारे में जो कि सस्ते प्राइस में आपको अब देखने को मिल रहे हैं Amazon की सेल पे, ग्रेट इंडियन सेल पे। तो यार आपको वो परचेज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, सेकेंडली किस ऑडियंस को कौन सा साउंड बार परचेज करना चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दूंगा, डिफाइन कर दूंगा आपको थोड़े बहुत फीचर्स में हर साउंड बार के डिफाइन कर दूंगा। लेकिन यार सारे फीचर्स नहीं बता पाऊंगा, अगर सारे को बताने लग गया तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी, क्योंकि मैं 5 से 6 साउंड बार्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको थोड़े थोड़े फीचर्स बता दूंगा और किस ऑडियंस को कौन सा वाला परचेज करना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो के अंदर मूव करते हैं। इससे पहले यार लाइक कर देना वीडियो को अभी, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, बाद में कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को अगर आप नए हो तो, और कमेंट कर देना खुल के अगर कोई भी डाउट हो तो। और अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हो पाए यहाँ पे रह जाए आपकी YouTube के नीचे, तो यार आप कोई टेंशन नहीं है, आप Instagram पे आओ, वहाँ पे मैसेज करो और मैं आप वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो यार बहुत ही इजीली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा कि सबके रिप्लाईज हो जाए। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो के अंदर मूव करते हैं। तो पहला साउंड बार जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है बोट अवंते साउंड बार 1160। और अगर हम इसकी बात करें तो यार काफी अच्छा साउंड बार है। इसकी प्राइस मैं आपको बताऊं तो यार ये आपको 3500 का देखने को मिल जाएगा, टू बी मोर प्रिसाइज 3499। और ये आपको Amazon की इस सेल पे देखने को मिल रहा है, काफी बढ़िया है, क्योंकि ये आपको 5000 का देखने को मिलता था और आपको अब 3500 का देखने को मिल रहा है। तो यार कम से कम 1500 रुपए का फर्क है, तो काफी बढ़िया चीज है, आप ये ले सकते हैं। अब ये किस ऑडियंस के लिए, किन ऑडियंस को ये पर्टिकुलर ऑडियंस को लेना चाहिए, या तो ये वो ऑडियंस ले सकती है जिसे टीवी के साथ कनेक्ट करना होता है और जिसे टीवी की जो साउंड है वो एनहांस करनी होती है। सेकेंडली साउंड के लिए अच्छा है, साउंड अच्छी है, ये मेरे दोस्त के घर पे था, मैंने काफी यूज करते हुए देखा है, ऐसे यूज किया भी है और मैंने देखी ऐसी क्वालिटी, ऐसे क्वालिटी अच्छी है, बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी तो नहीं है लेकिन क्वालिटी ठीक ठाक है, अच्छी है, मजा आएगा आपको सुनने में। लेकिन यार ये छोटे मोटे गेट टुगेदर्स पे आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बड़ी बड़ी पार्टीज करो तो इसकी साउंड उतनी लाउड इनफ नहीं है। हालांकि इसमें 60 वॉट के आपको देखने को मिल जाते हैं और इसमें 2.0 चैनल सराउंड साउंड सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है। यार ये सब ऑन पेपर तो सुनने में मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे दोस्त को भी बहुत अच्छा लग रहा था जिसने ये परचेज किया है, लेकिन यार अगर मैं सच बताऊं तो इसकी साउंड इतनी अप टू द मार्क नहीं लगी थी मुझे। तो अगर आपको ये लेना है तो ये सिर्फ उन्हीं ऑडियंस के लिए है जिनको छोटे मोटे गेट टुगेदर्स पे करना है, जिसमें कुछ 5-6 लोग आ जाएं और आप एक रूम में बैठे हो तो अच्छा खासा काम कर देगा, तब आपको इसकी वॉल्यूम जो है बहुत लाउड लगेगी। साथ में आप इसको टीवी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और टीवी की वॉल्यूम एनहांस करना चाहते हैं तो तब भी ये काम आ जाएगा। तो ये दोनों चीजों के लिए अगर आपको लेना है साउंड बार तो यार ये बहुत ही अच्छा साउंड बार है, आप परचेज कर सकते हैं। इसका नाम मैंने आपको बता दिया, बोट अवंते साउंड बार 1160, जो यार ये आपको 3500 का देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट साउंड बार की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट साउंड बार जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ब्लॉकपंक का SBW 100। तो यार ये आपको देखने को मिल जाएगा 5000 रुपए का Amazon की सेल पे। और साथ में अगर मैं इसकी साउंड की बात करूँ तो यार ये भी मैंने देख रखा है यूज करके, ये भी मेरे पास पर्सनली नहीं था लेकिन लकली मेरे एक दोस्त ने परचेज किया था। अब मैं आपको इसके इश्यूज भी बताऊंगा और क्या इसके एडवांटेजेस है वो भी बताऊंगा। तो इसके एडवांटेजेस जो है ये आपको 120 वॉट में देखने को मिल जाता है, इसकी साउंड जो है बहुत ही ज्यादा सुपीरियर साउंड है, साउंड बहुत अच्छी है। लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन पे मत जाना, अगर आप इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे कि बहुत हाई फाई साउंड, सुपीरियर साउंड, बहुत ही अच्छी साउंड है, मैं ऐसा बोलूंगा बहुत लाउड है, लेकिन किसी किसी गानों में मेरे को ऐसा लग रहा था हैवी EDMs में कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बाकी वैसे नॉर्मली इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था और इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। साथ में इसकी जो 1 ईयर वारंटी, अब ये मैं आपको एक डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ, इसकी जो 1 ईयर वारंटी है, यार 1 ईयर वारंटी तो है लेकिन यार जब ये खराब हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो यार इसकी सर्विसेज अवेल करने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी मेरे दोस्त को। उसका एक्चुअली क्या हुआ था, उसका स्पीकर में कभी कभार वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट होने लग गया था, स्पीकर बहुत ही साउंड में प्रॉब्लम आने लग गई थी और साथ में कभी भी लाउड हो जाता था, कभी भी वॉइस बहुत कम हो रही थी। तो उसने ये स्पीकर को बहुत ट्राई करी रिप्लेस कराने की, सब कुछ करने की, वारंटी के अंदर था लेकिन वो रिप्लेस नहीं हो पाया था। तो यार अगर मैं बात करूं इस स्पीकर की तो यार इसकी साउंड अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, आपको सब वूफर के साथ ये देखने को मिल जाएगा, रिमोट भी इसके साथ है और साथ में इसमें भी ब्लूटूथ 4.2 है। तो यार कनेक्टिविटी इसमें मेरे को कनेक्टिविटी के ज़्यादा इश्यूज देखने को नहीं मिले थे वैसे तो, लेकिन मैं सच बोलूंगा तो ब्लूटूथ 5.0 अगर किसी साउंड बार में आपको देखने को मिले तो वो बेस्ट चॉइस रहेगी। साथ में इसके साथ जो आपको रिमोट देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वो आपको काफ़ी कन्वीनियंट कर देगा आपके लिए चीज़ें और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाता है चीज़ों को। तो यार ये साउंड बार ओवरऑल अच्छा है लेकिन इसके वारंटी इश्यूज बहुत हैं, तो आप ये सोच के लेना कि अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, क्योंकि वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये सब सोच के लेना। वैसे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और साउंड और सब कुछ बहुत अच्छा है, मैंने इसकी बेस परफॉर्मेंस भी देखी कि वो भी अच्छी है। तो इसी के साथ ब्लॉकपंक SBW 100 के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट साउंड बार जिसकी हम बात करने वाले हैं ये मेरा
फेवरेट साउंड बार है क्योंकि इसकी प्राइसिंग और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और दोनों चीजें मतलब बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको ये साउंड बार लेना तो यार गो फॉर इट, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट साउंड बार जिसकी हम बात करने वाले हैं वो वन ऑफ माय फेवरेट साउंड बार्स में आता है, काफी बढ़िया साउंड बार है। वो इसीलिए फेवरेट है मेरा क्योंकि यार वो कम प्राइस में आपको बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। तो वो है यार JBL स्टूडियो वायरलेस साउंड बार। अब यार इस साउंड बार की हम जितनी तारीफ करें वो कम है, मैं बताता हूँ क्यों। अब इसमें आपको सबसे पहली बात तो इसकी बेस परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा ऑसम है और पिछले दोनों साउंड बार से अच्छा आपको इसमें बेस परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। 6000 का कोई अमेजोन पे देखने को मिल जाता है और इस बार सेल चल रही है तो आप ये ले सकते हैं क्योंकि ये असलियत में कम से कम 9 से 10 हजार रुपए का देखने को मिलता है, लेकिन इसकी सेल पे ये 6000 रुपए का देखने को मिल रहा है। तो इसे आप बहुत ही इजिली आंखें बंद करके ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। साथ में आपको इसका रिमोट मिल जाता है, इसकी कनेक्टिविटी इश्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसमें भी ब्लूटूथ 4.2 ही है लेकिन इसमें पता नहीं JBL ने क्या कमाल किया यार, इसमें बिल्कुल भी इश्यूज नहीं आ रहे। और मैं आपको एक बात बताऊं तो JBL का मैं बहुत ही पुराना यूजर हूं, मैं बायस नहीं हूंगा बिल्कुल भी, कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ उसी के सपोर्ट में बोलता जा रहा हूं, आपको सच बताऊंगा यार इसकी साउंड बहुत अच्छी है, बिल्कुल मजा आता है, आपको एक भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। साथ में इसका सराउंड साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, इसकी बेस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आपको लिटरली लगेगा कि सच में यार इतनी से साइज में इतनी दमदार चीज आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको रिमोट भी देखने को मिलेगा जो इसको बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना देगा। तो मैंने आपको प्राइस बता दिया, 6000 रुपए का आपको ये देखने को मिल जाएगा, आप ये अमेजोन पे जाके परचेज कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट के लिए थम्स अप है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, आप इसमें से जाके ले सकते हैं साउंड बार में। तो इसी के साथ नेक्स्ट साउंड बार की तरफ मूव करते हैं। तो आखिरी साउंड बार जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सैमसंग T45E। अब यार ये साउंड बार इन सबसे अच्छा है मैं वो बात मानता हूँ, लेकिन इसका प्राइस भी इन सबसे काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको 10000 का देखने को मिल जाएगा। तो जिसका बजट आपका जिसका भी बजट 10000 तक पहुँचता है वो ये यही ले, मैं उसको यही रेकमेंड करूँगा। लेकिन अगर किसी का बजट नीचे वाला है तो वो नीचे वाले साउंड बार भी ले सकता है, वो बुरे नहीं है, वो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत ही प्रीमियम चीज़ चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा पावरफुल चीज़ चाहिए तो वो ये ले सकता है, क्योंकि जो सैमसंग T45E है यार इसकी जो पीक परफॉर्मेंस है वो है 200 वॉट्स की, इसका बेस बहुत पावरफुल है, ये लिटरली मैंने देखा है यार, ये मैंने शोरूम में ही देखा था और ये टीवीज के नीचे लग सकता है। सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि जो इसकी सराउंड साउंड है वो बहुत ही पावरफुल है, इसकी वॉइस बहुत पावरफुल है सबसे पहले, और दूसरी बात इसमें आपको स्मार्ट साउंड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कि ये जो चीज़ें हैं छोटी मोटी ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करती हैं और काफ़ी अलग बनाती हैं बाकी साउंड बार से, लेकिन यार प्राइस भी मैटर करता है। वैसे ही अभी आपको बहुत सस्ता देखने को मिल रहा है क्योंकि ये 15000 के देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी आपको ये सिर्फ और सिर्फ 10000 के देखने को मिल रहे हैं, टू बी मोर प्रिसाइज 9990 के। आप ये ले सकते हैं अगर किसी का बजट इतना है तो, अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप JBL या फिर बोट में से भी ले सकते हैं। बाकी इस साउंड बार के लिए बस इतना ही, इसकी कनेक्टिविटी ये एक्चुअली ये मैक्सड आउट साउंड बार है, इसके आपको सब कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी बढ़िया है, वारंटी इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पूरे इंडिया में कहीं से भी ठीक करा सकते हो सैमसंग के शोरूम में जाके, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें आपको एक साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी, कनेक्शन बहुत अच्छा है, सब वूफर देखने को मिल जाएगा, साथ में रिमोट देखने को मिल जाएगा और प्लस स्मार्ट साउंड का भी फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यार अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। किसी और साउंड बार के बारे में पूछना हो तो उसके बारे में भी बता दूंगा, और अगर कोई डाउट रह जाए तो यार इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे मैंने इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दे रखी है, आओ और वहाँ पे आके मेरे से मैसेज कर लो, मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। सो मन कोलियर एंड साइनिंग आउट।